स्वागत है आप सभी का इस हनुमान बैच में। आज हम लोग फिर अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के करंट अफेयर और जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। आज ये चौथा नंबर का सीरीज है, रोज़ रात 9 बजे ये आपको क्लास लाइव मिल जाती है, ठीक है। एक महीने की जंग जो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए फेस करना है, ठीक है। याद करिएगा जो मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 7 बजे मॉर्निंग में आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं रात में 9 बजे आपसे करता हूँ। और आप जब क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं तो आपको आंसर याद हो जाता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए आपकी ज़ुबान पर रटा होगा। एक चीज़ और, आप जैसे इस क्लास में आइए तुरंत इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, कोई एजुकेशनल ग्रुप हो व्हाट्सएप में उसमें शेयर कर दिए, ठीक है, ताकि और अधिक लोग आ जाएं, ठीक। चलिए आज शुरू करेंगे फिर और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, ये 6वें नंबर का पार्ट चल रहा है अब, और 6वें नंबर में देखेंगे तो एसएससी जेई सीएचएसएल एसएससी सिलेक्शन फेस सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। 23 तारीख को आपको 23 से लेके, ठीक है, 26 नवंबर में आपका सीपीएसआई का पेपर होना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिलेंगे और उसके भी क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करूंगा ताकि आपके प्रिपरेशन स्टेनोग्राफर के लिए और भी अच्छी हो सके, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दुनिया की छत उपनाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। आपको पता है 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। तो 15 सेकंड में इसका आंसर लिख के दीजिएगा कि दुनिया की छत उपनाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, इसका आंसर लिखिएगा। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, तो पामीर का पठार, ठीक है, जितने लोगों ने लिखा है पामीर का पठार वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर आपको करना है किस किस क्षेत्र से संबंधित है। करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लिखा हुआ है देखिएगा आंसर क्या है इसका। जितने लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 1970 से ये प्रारंभ हुआ था, अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पे ये रखा गया था, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, आंसर करिएगा इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक। इज़राइल, जितने लोगों ने इज़राइल लिखा है वे सारे लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जापान की संसद का क्या नाम है, करिएगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर क्या लिखा होगा, देखते हैं, ठीक। डाइट, जितने लोगों ने इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है डाइट, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, देश बंधु किसका उपनाम है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये किसका उपनाम है, ये किसको बोला जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं उपनाम को लेके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस 5वें नंबर क्वेश्चन, देश बंधु किसका उपनाम है, इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है, ठीक। चितरंजन दास, जितने लोगों ने आंसर लिखा चितरंजन दास वे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, चितरंजन दास इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, ठीक, इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। देखिए लिखने की आदत आप डालिए, लिख देंगे तो आपको सच में याद हो जाएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए अपने लिखे होंगे तो आपको आंसर याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राजघाट, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लिखा है राजघाट वे सारे लोग एकदम सही ट्रैक पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लिखिएगा इसका आंसर। याद रखिए मॉर्निंग में आपको 7 बजे इससे रिलेटेड वीडियो मिलता है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं,
फिर रात में 9 बजे हनुमान बैच में आप उसको अपनी शक्ति रिमेंबर करते हैं कि कितना आपको याद था। ठीक, चलिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा होगा, तो 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लिखा है कोसी नदी, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में भी देखने को मिलता है, तो लिखिएगा सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका आंसर लिखिएगा सारे लोग, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जो लिखा है वो सही है, ताप्ती नदी। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ताप्ती नदी। जितने लोगों ने लिखा है वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो करिएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। अच्छा, उस प्लेस का नाम लिखिए, साथ ही साथ उस राज्य का भी नाम लिखिएगा जिस प्लेस पर यह होता है। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपने लिखा है वो सही है, सोनपुर बिहार। ठीक है, बिहार में है सोनपुर, वहीं पे लगता है सबसे बड़ा पशुओं का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी वगैरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। आइए देखते हैं आंसर, फुटबॉल। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म आप बताइएगा। तो आइए देखते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आप लोगों ने जो लिखा है वो सही है या नहीं। लिख ही दिया होगा पीडीएफ, तो बड़ा आसान सा फुल फॉर्म होगा ना। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों ने, ठीक है, आंसर लिखा हुआ है देखिएगा, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट या पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, वे सारे लोग एकदम सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा, कृष्ण कुमार हुड्डा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कृष्ण कुमार हुड्डा जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, किससे संबंधित है? पूरा क्वेश्चन ये है भैया, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा, किस क्षेत्र से संबंधित है? करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, दीजिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा होगा कबड्डी। ठीक है, जितने लोगों ने कबड्डी आंसर लिखा है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, उन लोगों तक शेयर करिए जिनका पेपर होने वाला है, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ और अच्छा हो सके नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है? ठीक है, उसकी थीम आपको बतानी है क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है, लिखिएगा आंसर। लिखिएगा आंसर इस 13 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर दोनों लिखा होगा उम्मीद करता हूँ, 5 जून पर्यावरण दिवस, थीम इस बार का क्या है, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बताइएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कन्फ्यूजेबल वाला, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 24 जनवरी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि बात अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की होगी तो वो 11 अक्टूबर, ठीक है,
इस क्वेश्चन पे बहुत कन्फ्यूजन बनता है, मैं फिर आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, लिखिएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोगों ने याद किया होगा मॉर्निंग में। तो चलिए देखते हैं, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, टोनी जोसेफ, ठीक है। जितने लोगों ने आंसर लिखा टोनी जोसेफ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, इस बुक के राइटर कौन है? अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है, पीटर हैंड के, ठीक है। जितने लोगों ने ये आंसर में लिखा है पीटर हैंड के, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन गया है, ठीक, ये है क्वेश्चन, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिख रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? इसका आंसर लिखेंगे, किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, बताइएगा, किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, इसका आंसर लिखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख चुके होंगे कि 2019 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, जितने लोगों ने आंसर लिखा हुआ केन विलियमसन, ठीक है, न्यूजीलैंड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। न्यूजीलैंड ही इस बार वर्ल्ड कप में उप विजेता रहा है, ठीक है। तो आइए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा इस सुंदर क्वेश्चन को, कि वर्ल्ड कप 2019 में, ठीक है, सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो दीजिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है, आंसर करिए 18 नंबर क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। रोहित शर्मा, कितने शतक उन्होंने लगाए? 5 शतक लगाए, ठीक है, सर्वाधिक रन इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अंधाधुंध फिल्म के निर्देशक कौन है? इनका आंसर लिखिएगा, निर्देशक कौन है, निर्देशक का नाम लिखना, निर्देशक का नाम लिखिएगा सारे लोग, निर्देशक का नाम लिखिएगा। तो आइए देखते हैं निर्देशक कौन है, ठीक है, अंधाधुंध मूवी के, ठीक है, श्री राम राघवन इस अंधाधुंध फिल्म के मूवी के निर्देशक हैं, ठीक है, और आयुष्मान खुराना ने इसमें एक्ट भी किया है एज अ हीरो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, जमैका की टोनी एनसिंग ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, किसने जीता भैया? जमैका की टोनी एनसिंग ने, ठीक है, टोनी एनसिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो 2020 का निकला है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, साथ ही साथ आप बताएंगे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। आप पहले इसमें विश्व में कौन सा नंबर है किसका और भारत का कौन सा स्थान है, दोनों आंसर लिखेंगे, लिखिएगा आंसर।
तो आइए देखते हैं इस 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क पहले स्थान पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में और भारत का स्थान है 168वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दस्तक अभियान किस चीज़ से संबंधित है, इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दस्तक अभियान किस चीज़ से संबंधित है, इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लिखेंगे कि किस राज्य सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। दो आंसर किस से संबंधित है, साथ ही साथ बताएंगे किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। दोनों आंसर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए आंसर क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, दिमागी बुखार के रोकथाम के लिए, दिमागी बुखार के रोकथाम के लिए है और उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल आ गया, तो जितने लोगों ने चैनल को नहीं शेयर किया है शेयर कर दें। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कहाँ से शुरू किया गया था। आंसर करिएगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का, इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई, रांची से 12 सितंबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीति आयोग का गठन कब हुआ। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 जनवरी 2015, ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, और गैर संवैधानिक निकाय हैं ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, चंद्राणी मुर्मू जो सबसे युवा सांसद हैं किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं बताइएगा। आंसर लिखिएगा सारे लोग 25 नंबर क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं इस 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ आपने भी लिखा होगा। तो आंसर क्या है इसका, उड़ीसा के क्योंझार, ठीक है, उड़ीसा के क्योंझार से सबसे युवा सांसद बने हैं और बीजू जनता दल की पार्टी से ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। एक तो आप ये बताएंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, कितने प्रतिशत यहाँ साक्षरता, ये भी लिखेंगे। ठीक है, दो आंसर इसमें लिखेंगे आप। कौन सा राज्य पहले पे है और कितने प्रतिशत है, चलिए देखते हैं फिर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, केरल 94%। ठीक है, अभी भी अगर ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 27 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और मुख्यालय, आप बताएंगे इसकी स्थापना। ठीक है, आप इसकी बताएंगे स्थापना, बताइएगा इसकी स्थापना बताएंगे और आप मुख्यालय भी बताएंगे। ठीक है, जब लिखना ही है तो दोनों लिखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और मुख्यालय दोनों लिखेंगे। सॉरी, तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने आंसर इसका करेक्ट लिखा होगा। देखिएगा, स्थापना कब हुई थी WTO की, 1995 में हुई थी, और मुख्यालय क्या था, जेनेवा। आज भी मुख्यालय जेनेवा ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हंटर आयोग किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हंटर आयोग किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा सारे लोग, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए, हंटर आयोग किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं आप लोगों ने आंसर लिखा होगा हंटर आयोग के बारे में, जलियांवाला बाग कांड से। ठीक है, हंटर आयोग किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूर्य किरण 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सूर्य किरण 2019 का किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। आंसर लिखेगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का, इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भारत और नेपाल, जितने लोगों ने कहा भारत और नेपाल वे सारे लोग एकदम सही हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का नाम, तो दोनों लिखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी लिखना और उपराज्यपाल का भी नाम। करिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, मुख्यमंत्री का भी नाम बताना है साथ ही साथ उपराज्यपाल का भी नाम बताना है। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर, तो देखिए जितने लोगों ने इसका आंसर लिखा हुआ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं फिर आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल आ गया, तो जितनी बार ये आता रहेगा मैं आपको फिर रिवाइंड कराता रहूँगा कि भैया चैनल को अभी भी शेयर कर दिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये एसएससी के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करिएगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 11वें नंबर का जो न्यूक्लियर कॉन्क्लेव एनर्जी है 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो चलिए देखते हैं 11वें नंबर का जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव था कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये प्लेस है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। थीम भी इसका था इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टूवर्ड्स सफर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा आंसर दीजिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन का, 2019 के मुंबई के किस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था, एक मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो चलिए आइए देखते हैं इस 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है। आंसर आपके सामने है यशस्वी जायसवाल, ठीक है, यशस्वी जायसवाल। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, K4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। करिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, मिसाइल हैज़ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, ठीक है, तो 3500 किलोमीटर की बात है, मतलब 3500 किलोमीटर, ठीक है, इसका रेंज है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन टाइप हो गए ना, चलिए दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। बताइएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन का कि जनवरी 2020 में किस वर्ष 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान और किसे दिया गया। बताइएगा किस लिए दिया गया, किसको दिया गया, दोनों आंसर दे सकते हैं।
तो 2000 मतलब जनवरी 2020 को किससे किसको वर्ष 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। आइए चेक करते हैं इसका आंसर, बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, देखिएगा। सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही, लघु कथा इनकी है चेकबुक, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कितनी साइट विश्व विरासत की सूची में है, इसका आंसर आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का, कि भारत की कितनी साइटें विश्व विरासत की सूची में हैं। करिएगा इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, 38, ठीक है। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 38 विश्व विरासत शहरें साइट्स हैं जो शामिल हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया, इसका आंसर मतलब ईयर बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ है, तो देखिएगा आंसर क्या, 1908, ठीक है। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कब स्थापित किया गया है, तो ये है 1908 में स्थापित किया गया, असम में ये है और एक सींग वाले गैंडे की वजह से फेमस है। बढ़ेंगे 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया, कुलदीप नायर, ठीक है, कुलदीप नायर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। फिर मैं आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल आ गया है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था भारत की तरफ से, ठीक है, ये बोल सकते हैं ना, चलिए वैसे ही बताइए, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, आंसर करिएगा। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, आंसर क्या, लियाकत अली ने नेतृत्व किया था इलाहाबाद में, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, दोनों नाम याद रखिए, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, और नाना साहब कानपुर, ठीक है, नाना साहब कानपुर। चलिए बढ़ते हैं, तो चलिए इस 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर दिख रहा होगा, कोई नहीं, इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन मिले। देखिएगा, देखिए लिखा 39 नंबर क्वेश्चन, द बेल्टीमोर, ठीक है, द बेल्टीमोर बुलेट, और लिखा है फ्लाइंग फिश, किस खिलाड़ी का उपनाम है, करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इससे पहले मैंने इस आंसर को दिखा दिया आपको, तो माइकल फिलिप्स इसका नाम है, ठीक है, किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी में तुलना में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, माइकल फिलिप ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 में यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क किस सदस्य के रूप में भारत के लिए दो शहरों को चुना गया, आंसर करिएगा कि भारत के दो शहरों को चुना गया यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, तो देखिए उन लोगों को खोज खबर है कि नहीं उन शहरों का। आंसर लिखिएगा आप सारे लोग, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा,
तो चलिए देखते हैं, मुंबई और हैदराबाद, ठीक है, मुंबई फिल्म के लिए और हैदराबाद पाक कला के लिए। पढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में, एशिया का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का, तो करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों ने लिखा होगा 41 नंबर क्वेश्चन का, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना नया राज्य कब बना? आंसर करिएगा इस 42 नंबर क्वेश्चन का, इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, तेलंगाना नया राज्य कब बना, इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, तेलंगाना नया राज्य कब बना, इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, आप लोगों ने लिखा होगा तेलंगाना नया राज्य कब बना, 2 जून 2014, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, 2 जून 2014। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019 किसे मिला है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019 किसे मिला है, आंसर लिखिएगा सारे लोग इस 43 नंबर क्वेश्चन का, इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा सारे लोग। चलिए देखते हैं इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, मनप्रीत सिंह भारत के, ठीक है, ये जो मनप्रीत सिंह है इन्हीं को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इसी इन्हीं को दिया गया, मनप्रीत सिंह को, ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। FIH का फुल फॉर्म आपने सुबह में याद किया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वोमेन के रूप में इवा दे गोएडे को दिया गया, ठीक है, और ये अवार्ड स्थापित किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अल्पसंख्यक वर्गों की, ठीक है, हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के किस अनुच्छेद में है, इस 44 नंबर क्वेश्चन का आप सारे लोग आंसर लिखेंगे, इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा सारे लोग कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में जिक्र है इसका, करिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों ने जो दिया है वो सही है या नहीं, ठीक है, अनुच्छेद 29, ठीक है, जितने लोगों ने अनुच्छेद 29 लिखा है वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, आंसर करिएगा इस 45 नंबर क्वेश्चन का, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा सारे लोग, सारे लोग लिखेंगे इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर, विधि के समक्ष समानता इसका आंसर लिखेगा सारे लोग। चलिए देखते हैं, तो जितने लोगों ने लिखा है अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, जितने लोगों ने आंसर दिया 45 नंबर क्वेश्चन का कि अनुच्छेद 14, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, सॉरी देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है और संविधान के किस भाग में है ये भी आप बताएंगे, ठीक है, तो बताइएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है, ये भी आंसर आप लिखेंगे इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है, लिखेगा आंसर, लिखने की आदत जरूर डालिए, बहुत ही अच्छी आदत होती है कि आप आंसर लिखें, ठीक है,
तो आइए देखते हैं इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जो आपने लिखा है वही है, ठीक। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिखा गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को प्रोत्साहन देना, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में हुआ है? ठीक है, हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा सारे लोग। हिंदी को प्रोत्साहन देना, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में हुआ है? इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सारे लोग। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सारे लोग। तो चलिए देखते हैं इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जो आपने लिखा है वही है। तो जितने लोगों ने अनुच्छेद 351 लिखा है, ठीक है, अनुच्छेद 351, वे सारे लोग एकदम सही। हिंदी को प्रोत्साहन इसी अनुच्छेद में दिया गया। फिर आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल है, ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति की रिक्तियों के कितने महीने बाद भरना होता है? कितने महीनों बाद राष्ट्रपति के रिक्तियों को भरना अनिवार्य होता है? आंसर करिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों ने लिखा हुआ 6 महीना, ठीक है, 6 महीने, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। देखिएगा, देश के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस 49 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है। मुरारजी देसाई, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, जो लोग क्वेश्चन 7 बजे पढ़े रहेंगे, ठीक है, उन्हीं को ये सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ज़्यादा अच्छे से वो लोग करेक्ट सारे के सारे आंसर का जवाब दे सकते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? आंसर करेंगे सारे लोग इस 50 नंबर क्वेश्चन, मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन का, कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? आंसर लिखेंगे सारे लोग। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए, कल फिर इसी समय पे मुलाकात होगी 9 बजे, और सुबह के 7 बजे की वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए आप लोग, ठीक है, दोनों लाइव रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जो लिखा है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, मतलब इतने लंबे समय तक इनका कार्यकाल था। चलिए वीडियो यहीं पे एंड होगी। जितने लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पढ़ने वालों तक शेयर करिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर आप ओके टेक